मैं रश्मि आर्या, हिंदी मीडियम, कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ 5, अपराजिता। बच्चों, कल मैंने आपको इस पाठ का सारांश बताया था, आपको कहानी समझाई थी कि कैसे इसमें एक अपंग लड़की, एक दिव्यांग लड़की के संघर्ष की कहानी, और उसने कैसे अपनी मेहनत से और अपने लगन से इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की और लोगों को प्रेरणा प्रदान की कि हमें हर परिस्थिति में लड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, कल आपको पाठ समझ में आ गया होगा, आज मैं उसी पाठ का आपको प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर याद भी करना है और आपको अपनी कॉपी में साफ साफ शब्दों में लिखना भी है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी, संघर्ष को सहर्ष स्वीकार किया, उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक हाथ कटा था युवक का। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उसकी पंक्तियां बढ़े पढ़े और आगे बढ़े, जैसे कि डॉक्टर चंद्रा आगे बढ़ी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कविता, कढ़ाई, बुनाई और संगीत में रुचि थी। जर्मन भाषा में विशेष योग्यता भी उनको प्राप्त थी। उन्हें गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। ये सब उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी हिम्मत से हासिल किया था। अब आपको बच्चों एक और भी कार्य करना है, वो है भाषा की बात, जो मैं हमेशा कराती हूँ। पहला है बच्चों, नीचे लिखे शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी आपको लिखने हैं। तो जैसे कष्ट का कष्टप्रद, यानी कष्ट देने वाला, आनंद आनंदप्रद, आनंद देने वाला, लाभ लाभप्रद, लाभ देने वाला, हानि हानिप्रद, हानि देने वाला। ये कष्ट नहीं बेटा, कष्ट होगा, कट है ना। ज्ञान ज्ञानप्रद, ज्ञान देने वाला। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे आपको बच्चों अपनी कॉपी में साफ साफ शब्दों में लिखना है और इसे जैसे जैसे मैं आपको डेली पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आपको डेली पढ़ना है, याद करना है, कॉपी में साफ सुथरा लिखना है, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है। कल बच्चों मैं आपको अनिवास संस्कृत का पहला लेसन पढ़ाऊंगी और पहले लेसन का आपको अर्थ भी बताऊंगी। आपको ध्यान से पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, घर पे रहिए और हाथ धोते रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखते रहिए। बच्चों, ये मैंने आज आपका लेसन तैयार कर दिया है, आपको पढ़ा दिया है, अब आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी।